जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बड़ा ही अद्भुत वीडियो है और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। असम के नीलांचल पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है आदिशक्ति माँ सती का शक्तिपीठ। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर संपूर्ण भारत और विश्व में कामाख्या देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है बल्कि माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। प्राचीन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब प्रजापति दक्ष के द्वारा भरी सभा में देवों के देव महादेव का अपमान किया गया, तब वहाँ सभा में मौजूद माता सती शिव के इस अपमान को सहन ना कर सकी और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब देवों के देव महादेव को इस बात का पता चला तो क्रोधित देवों के देव महादेव शिव माता सती के मृत शरीर को, शव को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, घूमने लगे। तब माता सती के मृत शरीर के प्रति शिव के इस मोह को भंग करने के लिए श्री हरि विष्णु ने देवी सती के शव को, मृत शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया और जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। माँ कामाख्या देवी मंदिर वह मंदिर है, वह शक्तिपीठ है जहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था। इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है बल्कि इस स्थान पर देवी की योनि की ही पूजा की जाती है। हर वर्ष यह मंदिर 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। यह मान्यता है कि इन 3 दिनों में माँ कामाख्या रजस्वला होती है, मासिक धर्म में होती है और उनके शरीर से रक्त निकलता है। इस दौरान इस शक्तिपीठ की आध्यात्मिक तांत्रिक चमत्कारी शक्तियां बढ़ जाती है और यही कारण है कि इस दौरान देश के विभिन्न भागों से यहां बड़े बड़े तांत्रिक और साधक इकट्ठे होने लगते हैं और यहीं आसपास की गुफाओं में रहकर साधना किया करते हैं। 3 दिनों तक यह मंदिर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और 4th दिन माता के मंदिर का दरवाजा द्वार खुलता है और सभी साधक और भक्तों को माता का चमत्कारी प्रसाद मिलता है। जी हाँ दोस्तों, माता के भक्त और साधक इस दिव्य प्रसाद को पाने के लिए बेचैन हो उठते हैं और यह दिव्य प्रसाद होता है लाल रंग का एक वस्त्र जिसे माता रजस्वला होने के दौरान धारण करती है। जिसे भी यह वस्त्र मिल जाता है वो धन्य हो जाता है। माना जाता है कि इस वस्त्र का टुकड़ा जिसे भी मिल जाता है उसके जीवन के सारे कष्ट और सारी समस्याएं दूर हो जाती है। किसी किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही ये वस्त्र मिल पाता है। माता के इसी चमत्कारी शक्तिपीठ पर हर वर्ष एक भव्य मेला भरता है जिसे अंबुवाची मेला कहा जाता है। स्थानीय क्षेत्र का यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस मेले में संपूर्ण भारत से लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। कामाख्या माता मंदिर में यह मेला हर वर्ष जून के महीने में आयोजित किया जाता है और इसे अंबुबाची त्यौहार या अंबुबाची मेले के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह त्यौहार 22 जून से लेकर 24 जून तक मनाया जाएगा और 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और फिर 25 जून के दिन मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे। भक्तों के दर्शन के लिए 25 जून और 26 जून को दरवाजे खुले रहेंगे और माँ कामाख्या के दर्शन सभी लोग कर सकेंगे। माँ कामाख्या के दर्शन करके पूजा करवाकर आप यहाँ प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं। 4th दिन कामाख्या देवी मंदिर लगभग सुबह प्रातः 5:30 बजे खुल जाता है। सुबह 6 बजे से भक्तों के लिए, दर्शनों के लिए मंदिर पूरी तरह से खोल दिया जाता है और यह मंदिर भक्तों के दर्शनों के लिए रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। यदि आप माँ कामाख्या देवी मंदिर इस मेले में जाना चाहते हैं तो आपके पास जाने के लिए 3 तरीके हैं। या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप अपने वाहन से सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो इस स्थान पर जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कामाख्या जंक्शन,
जो कि कामरूप जिले में ही स्थित है। इसके अलावा गुवाहाटी जंक्शन से भी आप कामाख्या मंदिर के लिए जा सकते हैं। यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो बोरझार हवाई अड्डा इस मंदिर के सबसे नज़दीक में होता है। और दूसरा सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बरपानी, जो कि कामाख्या जंक्शन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और अगर आप सड़क मार्ग से अपने ही वाहन से अपने ही साधन से जाना चाहते हैं तो आपको अपने साधन से असम राज्य की ओर जाना पड़ेगा। इसके बाद गुवाहाटी नगर में आपको जाकर फिर कामरूप जिले की यात्रा करनी पड़ेगी। कामरूप जिले के लगभग पास में ही ये मंदिर होता है। तो 22 से 24 जून अंबुवाची मेले का आयोजन किया जाएगा और अंबुवाची मेले का यह समय बेहद पवित्र समय माना जाता है। कामाख्या मंदिर में पूजा करने के लिए या फिर अंबुवाची मेला तांत्रिक सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भक्तों की हर मनोकामना देवी पूरी करती है। अंबुवाची मेले के दौरान यहाँ आपको दो तरह के प्रसाद मिलते हैं। एक मंदिर का प्रसाद जो कि भक्त लोग चढ़ाते हैं, जो कि बाहर दुकानों पर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें लड्डू, पेड़े, बर्फी, नारियल, कलावा, सिंदूर इत्यादि सामग्री होती है। और दूसरा प्रसाद बड़ा ही चमत्कारी प्रसाद है, जो कि कुछ ही भक्तों को प्राप्त हो पाता है। दूसरा प्रसाद चमत्कारी वस्त्र, सिंदूर और जल के रूप में आपको मिलता है। कामाख्या वस्त्र एक सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा होता है, जो कि माता की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है, जब माता के मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं उसके पहले इन वस्त्रों को माता पर चढ़ाया जाता है, जो कि माता के मासिक धर्म की वजह से स्वतः ही लाल हो जाते हैं। और जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं दर्शनों के लिए, तब इसी कपड़े के टुकड़े लोगों में प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। जो रक्त माता की मूर्ति से निकलता है उसी को कामाख्या जल कहा जाता है, और कामाख्या जल भी प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है। जो पत्थर के टुकड़े माता के रक्त से लाल हो जाते हैं, वो टुकड़े सिंदूर के रूप में भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बेहद दुर्लभ और उपयोगी मानी जाती है, लेकिन सभी लोगों को ये प्रसाद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे आजकल ऑनलाइन बाज़ार में भी कामाख्या देवी माता का सिंदूर, कपड़े इत्यादि विक्रय हो रहे हैं। तो यदि आप घर बैठे ही ऑनलाइन माता का सिंदूर चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बाज़ार से इसे खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम माता कामाख्या देवी सिंदूर का लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां से आप कामाख्या देवी मंदिर का सिंदूर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस मेले में जाना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाकर आइए। ये वास्तव में बेहद चमत्कारी शक्तिपीठ है। यदि आप एक बार यहां मां के दर्शनों के लिए जाते हैं और अपनी कोई मनोकामना रखते हैं तो यह अवश्य ही पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ कामाख्या।